अल एलाम बेकवात एल इस्लाम, इसके अंदर इमाम मोहम्मद अहमद बिन मोहम्मद बिन अली बिन हजर मक्की उन्होंने लिखा सफा नंबर 85 पर, क्या है ये जो खत्म नबूवत का माना बयान किया ननोतवी ने। अइम्मा पहले से वजाहतें कर गए, ये नहीं कि कोई इब्न हजर इसके बाद आए हैं, ये बाद में आया, लेकिन रद्द इसकी बात का वो कहले कर चुके थे। उन्होंने लिखा लौ तमन्ना फी वक्त नबी मिन अल अंबिया अन्नहु हुवन नबी दूना ज़ालिकन नबी। ये एक बात है, अगर किसी ने किसी नबी के जमाने में जब उनका कलमा चल रहा हो ये तमन्ना कोई करे कि काश ये नबी ना होते मैं नबी होता माज़ल्ला, एक ये बात। ओ फी जमाने नबी ये ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कोई ये तमन्ना करे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात में कि ये नबी ना होते मैं नबी होता, और साथ ओ बादहू, ये है कासिम ननोतवी वाला मसला कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कोई जायज समझे किसी के लिए नबूवत। ओ अन्नहु लौ कान नबिया ओ अन्नहु लम तकुन नबुवा, या मुतलकन उसका अकीदा है कि नबूवत होती ना, जिस तरह लिबरल टोला है। फयुकफरु फी जमीए ज़ालिका, इन तमाम बातों के अंदर उसे काफिर करार दिया जाएगा, और जो राज इबारत होगी वो फयकफरु फी जमीए ज़ालिका, दूसरे में फिर युकफरु पढ़ना पड़ेगा, और साथ कहा वज़ाहिरु अन्नहु ला फर्का बैन तमन्नी ज़ालिका बिल लिसान अविल कल्ब। ननोतवी ने तो पूरी किताब लिखी, जवाज में अगर कोई फर्ज कर भी लिया जाए तो कोई खात्मियत में फर्क नहीं आएगा। इमाम इब्न हजर ने कहा अगर कोई ये बात जुबान पे ना लाए सिर्फ दिल में सोचे तो फिर भी काफिर होगा, जुबान पे ना लाए सिर्फ अगर दिल में भी ये नजरिया रखे तो। इस वास्ते सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बलाके हैं, तेरी गछड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है।